दोस्तों, आप सभी के बीच मैं पुनः उपस्थित हूँ कुछ नए टॉपिक को लेकर। चूँकि एक्चुअली दिक्कत ये हुआ है, हमारे जो यूट्यूब वीडियो है उस पर बहुत कमेंट आया है। कमेंट करने का मतलब ये हुआ कन्फ्यूजन, यानी बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन है। एक पॉइंट है जो मैं भी बताएंगे, आप टॉपिक देख सकते हैं क्या चुने पेपर टू के लिए। जो बंदा एक्चुअली कहने का मतलब हुआ, जो बंदा पेपर टू देना चाहता है, जो बंदा पेपर टू का एग्ज़ाम देना चाहता है, ऐसे बंदे को कुछ कन्फ्यूजन है। जो बहुत ही सिंपल कन्फ्यूजन है वो हम आज के वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है। और जो बंदे ने या जो दोस्त ने अगर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा और बेल बटन को भी दबा दीजिएगा। इससे बहुत हिम्मत मिलता है और वीडियो बनाने का दिल भी ज़्यादा होने लगता है, ठीक है। चलिए आप देखते हैं टॉपिक क्या है। यहाँ मैंने लिख दिया क्या चुने पेपर टू के लिए। कहने का मतलब ये हुआ, जब भी आप फॉर्म भरने जाएंगे, जब पेपर टू के लिए फॉर्म जब वहाँ फिल करेंगे ऑनलाइन पेपर टू के लिए, तो एक ऑप्शन आता है। एक ऑप्शन में आगे पढ़ेंगे लिखा होगा सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर टू, ठीक है। ये ऑप्शन होगा, एक जगह पे एक टॉपिक होगा। जब ऑनलाइन फॉर्म फिल कीजिएगा वहाँ लिखा होगा सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर टू। इसका मतलब ये हुआ कि आप पेपर टू के लिए कौन सा विषय का चयन कीजिएगा, सिलेक्शन कौन सा विषय का आपको करना चाहिए। अब वहाँ पे आपको ऑप्शन ऐसे दिखेगा, देखिए जब आप कंप्यूटर स्क्रीन पर जाएंगे तो ऐसा आपको दिखेगा। उसमें ऑप्शन होगा, आपको आप देख लीजिए, आपको जो भी बंदा फॉर्म भरेंगे उसको भरने में बहुत ही आसानी होगा। ऐसे होगा, ऐसे लिखा होता है सेलेक्ट, यहाँ पे गोला होता है यानी कि फिल करने के लिए। उसके नीचे होगा मैथमेटिक्स एंड साइंस, इसका मतलब हुआ साइंस, समझ जाइएगा। यहाँ पे ऐसे होगा, एक होगा सोशल साइंस, ठीक है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे जाएंगे, जो पेपर टू, जो बंदा पेपर टू यानी जूनियर शिक्षक जो बनना चाहते हैं यानी जो बीएड किए हो, तो जब पेपर टू जब फॉर्म भरने जाएंगे ऑनलाइन, तो उसमें एक ऑप्शन आएगा नीचे सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर टू, यानी पेपर टू के लिए कौन सा विषय का चयन करना चाहिए। तो आपके पास दो ऑप्शन है कि मैथमेटिक्स ले, मैथमेटिक्स या साइंस, मैथमेटिक्स साइंस एक साथ, या सोशल साइंस, आप कौन सा पे चयन कीजिएगा। आप मैथ लीजिएगा या सोशल साइंस लीजिएगा, ये तो समझ ही नहीं है। इसी प्रकार का जो कमेंट है हमारे वीडियो पे बहुत आया है, चूँकि एक कन्फ्यूजन है और होना भी चाहिए। जो मान लीजिए पहली बार एग्जाम देगा उसको तो नहीं पता है, ठीक है, तो हम उसको हम क्लियर करते हैं। क्लियर एंड कंसेप्ट बहुत बढ़िया हमें समझ में आएगा। आप ध्यान दीजिएगा, जो भी बंदा बीए किया हो, कोई भी आप में से कोई भी हो, बीए किया हो या बीबीए किया हो या बीकॉम किया हो, ये तीन चीज़ हो, यानी कोई भी बंदा ऐसा तो नहीं कि तीनों चीज़ एक साथ कर लेगा, ऐसा नहीं ना। यानी कोई मान लीजिए बीए किया, ग्रेजुएशन बीए किया, कोई बीबीए किया या कोई बीकॉम किया, अगर इस तीन में से कोई भी एक किया हो तो वो ऑप्शन में सोशल साइंस को क्लिक करेंगे। सोशल साइंस कहने का मतलब ये हुआ, इस तीन में से बीए किए हो या बीबीए किए हो या बीकॉम किए हो, कोई भी किए हो, तीनों में से कोई भी कोर्स किए हो ग्रेजुएशन में, तो वो सोशल साइंस लेंगे। तो यहाँ पे सिलेक्शन यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है, ऐसे कहने का मतलब हुआ। फिर अब दूसरा देखिए, जो बंदा बीटेक किए हो, बीटेक मतलब बैचलर इन टेक्नोलॉजी यानी इंजीनियरिंग, या बीएससी किए हो, कहने का मतलब हुआ आप बीएससी आप किसी में हो, ऑनर्स किसी में हो, कोई फिजिक्स में किया हो, केमिस्ट्री में, कोई मैथ में, उससे मतलब नहीं है, आप कोई बीटेक किया हो, इस दोनों में से कोई कोर्स भी किया हो, वो क्या लेंगे, मैथमेटिक्स एंड साइंस। मैथमेटिक्स एंड साइंस कौन लेंगे, जो या तो बीटेक किया हो या बीएससी किया हो, बीएससी कहने का मतलब कोई भी ऑनर्स किया हो, तो उनका जो पेपर टू के लिए सब्जेक्ट का जो चयन होगा वो मैथमेटिक्स एंड साइंस पे क्लिक करेंगे। समझ में आया, कहने का मतलब हुआ यही आप लोगों का कन्फ्यूजन था, मैथमेटिक्स और साइंस कौन लेंगे, बीटेक और बीएससी वाले लेंगे, ठीक है, जो बीए किए हो, बीकॉम किए हो या
बीबीए की हो, बीए, बीबीए और बीकॉम, इस तीन में से कोई भी एक कोर्स की हो, वो सोशल साइंस लिए होंगे। शायद ये आपको कन्फ्यूजन समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे कमेंट में बस डालिए, उसको मैं कोशिश करूँ, आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। आपके लिए मैं हमेशा उपस्थित रहूँगा। हाँ, और साथ में आज से ही मैं वीडियो जो भी कुछ होगा मैं डालूँगा मैथमेटिक्स पे, ईवीएस, सीडीपी, आज से मैं वीडियो डालना स्टार्ट कर दूँगा, चूँकि दो तीन दिन से मेरी तबीयत भी ख़राब है, आवाज़ भी बहुत ज़्यादा फंस गया है। तो कहने का मतलब हुआ, ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।